नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर के 6 नगर निगम में 10 नवंबर 2020 को मेयर चुन लिए गए हैं। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 6 में से 4 निगमों में अपने बोर्ड बनाए हैं। इनमें कांग्रेस ने 2 निगमों में निर्दलियों के दम पर जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी को महज 2 नगर निगमों में बोर्ड बनाने में सफलता मिल पाई है। मेयर चुनाव के बाद अब 11 नवंबर को डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। बता दें कि राजस्थान नगर निगम चुनाव के इतिहास में यह पहला मौका है कि प्रदेश में 5 महिलाएं महापौर यानी मेयर बनी हैं। दरअसल राजस्थान नगर निगम चुनाव 2020 में निर्दलीय जीते अधिकांश पार्षद सत्ता खेमे की ओर चले गए हैं, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला और वो निगमों में बहुमत के बावजूद 4 नगर निगमों में अपना बोर्ड बनाने में कामयाब रही। कोटा उत्तर में मंजू मेहरा मेयर चुनी गई है। गौरतलब है कि कांग्रेस को कोटा उत्तर और जोधपुर उत्तर में स्पष्ट बहुमत मिला हुआ था। इसमें जोधपुर उत्तर में कुंती देवड़ा और कोटा उत्तर में मंजू मेहरा मेयर चुनी गई हैं। वहीं बीजेपी ने जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण नगर निगम में अपने बोर्ड बनाए हैं। हालांकि जयपुर ग्रेटर नगर निगम में बीजेपी की सौम्या गुर्जर मेयर निर्वाचित हुई है। वहीं जोधपुर दक्षिण में बीजेपी की वनिता सेठ मेयर चुनी गई है। लेकिन असली लड़ाई जयपुर हेरिटेज और कोटा दक्षिण नगर निगम के मेयर चुनने में थी। यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास ही बहुमत नहीं था। आपको बता दें, 100 वार्डों के जयपुर हेरिटेज निगम में कांग्रेस ने 47 वार्ड जीते थे, जो बहुमत के जरूरी आंकड़े से थोड़े कम थे। लेकिन निर्दलीय के समर्थन से कांग्रेस यहां अपना बोर्ड बनाने में कामयाब हो गई है। जयपुर हेरिटेज निगम में कांग्रेस की मुनेश गुर्जर ने मेयर का चुनाव जीता है। कोटा दक्षिण नगर निगम के 80 वार्डों में कांग्रेस बीजेपी दोनों ने बराबर बराबर 36-36 वार्ड जीते थे और 8 निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी थी। कांग्रेस ने निर्दलियों को अपने खेमे में लामबंद कर इस निगम पर कब्जा जमा लिया। यहां कांग्रेस प्रत्याशी राजीव अग्रवाल को 41 मत मिले हैं और वो कोटा दक्षिण के मेयर चुन लिए गए। जोधपुर दक्षिण में 80 वार्ड है, यहां सामान्य महिला की सीट थी। बीजेपी की वनिता सेठ और कांग्रेस की पूजा पारिक के बीच मुकाबला था। बेहद रोचक चुनाव में वनिता सेठ ने पूजा पारिक को हरा दिया। वनिता सेठ की जीत के बाद बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।